जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के दौर का जो जमाना है वो जमाना सॉफ्ट पावर का है। यही वजह है कि भारत के वजीर आजम जब रशिया पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले ही इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो पहले ही रशिया में पहुंच गई। अगर आप देखें तो जो इंडियन डायस्पोरा है वो आपको नजर आएगा आज मॉस्को के अंदर हर जगह। इकोनॉमी, बिजनेस, तेल, डिफेंस, S-400, ये तो जारी बात है, नॉर्मल बिजनेस रूटीन्स हैं, ये तो होंगे होंगे। लेकिन जो इंडियन कम्युनिटी है, मतलब ये है कि इंडियन कम्युनिटी इज ऑलरेडी इन मॉस्को बिफोर मोदी साहब वहां पहुंचे हैं। ये चीजें बताती हैं कि भारत की जो इंग्रेस है वो सिर्फ वेस्ट में नहीं है बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी है, बल्कि चाइना में भी अब तो सुनने में आता कि काफी ज्यादा इनकी इंग्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चलेगा कि डोल वाले हैं नरेंद्र मोदी, अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो रास्ते में आपको लोग खड़े नजर आएंगे जो उनको वेलकम करते हैं। दैट टेल्स अ स्टोरी, और वो स्टोरी ये है कि एक्सेप्टेंस की स्टोरी है। वो स्टोरी बेसिकली एक्सेप्टेंस की स्टोरी है कि किस तरह उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ये बड़ी अहम बात है, ये कोई मामूली चीज नहीं है कि आप ये कह दें कि एक मुल्क का वजीर आजम पहुंचा है, और खास तौर पर इट्स अ डेमोक्रेसी, जमहूरियत के एंगल से देखा जाए तो। अगर आप उसे जमहूरियत के एंगल से देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया जो है उसके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो अच्छे हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ ढोल वाले भी पहुंचे हुए हैं, वहां पे आपको जो है वो संगीत वाले भी पहुंचे हुए हैं। रशियन जो लड़कियां हैं उन्होंने इंडियन ड्रेसेस पहने हुए हैं, एक फेस्टिवल है ये, एक दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप, ये एक पूरे का पूरा जैसे कहेंगे ना, एक एक हिस्ट्री है इसके पीछे, एक पूरी आप ये कह लें कि एक पूरे का पूरा कल्चर है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल मोदी साहब पहुंचते हैं तो जो वहां पे जो डायस्पोरा है वो उनको वेलकम करता है, सड़कों पे लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी है, और वो एक जगह नहीं मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आएंगे। ये बेसिकली मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। कोई पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल रशिया में रहता है। आपको अगर मैं मजे की बात बताऊं, इफ यू गो बैक टू आज से कोई 76 साल पहले चले जाएं स्टोरी, तो पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात की ये स्टोरी है कि पाकिस्तानी रशिया से इसलिए ताल्लुकात नहीं बनाना चाहते थे, वो कहते थे ये लादीनियत पे यकीन रखते थे, डोंट बिलीव इन रिलीजन, क्योंकि ये रिलीजन पे यकीन नहीं रखते, और जो जो वेस्ट है, जो क्रिश्चियन है, जो अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, वो एक दीनी किताब पर यकीन रखते हैं, वो होली बुक यानी कि जो जिसे कहते हैं ना बाइबल पे यकीन रखते हैं। तो इनसे हम बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखेंगे, ये लादीनियत है और ये हमारे मुल्क में लादीनियत आ जाएगी। हमारे लोगों का ये मिजाज था, ये सोच थी। आप देखें कि आज मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर इंडियंस मौजूद हैं जो कि हिंदू भी हैं, जो सिख भी होंगे, जो मुसलमान भी होंगे, जो हो सकता है ईसाई भी हों, जिनके डिफरेंट मजहब होंगे। तो मॉस्को आपको तंग तो नहीं करता इस चीज में, रशिया को इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका मजहब क्या है, लेकिन हमारे लोगों ने वेस्ट के साथ जो एक सो कॉल्ड सा वो जिसे एक जब कनेक्शन बनाया तो कहा जी कि वो उनके पास किताब है तो हम ताल्लुक बना रहे हैं, और बाद में फिर वेस्ट के खिलाफ हो गए जब वेस्ट ने मुसलमानों को, और खास तौर पे पर्टिकुलरली अगर देखें कोल्ड वॉर के फ्रेमवर्क में देखें, जब एक वक्त आया कि जब इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, बाकी आलम इस्लाम को कि मुजाहिदीन बनाओ सोवियत यूनियन को ख़त्म करना, तो उस वक्त भी तरबियत दी गई मुसलमानों को
कि ये ला दीन है, ये मजहब पे यकीन नहीं रखते, इनको मारना फर्ज है। मतलब हमारे लोगों ने क्या क्या तशरीह निकाली। इंडिया ऑन द कॉन्ट्रेरी, उन्होंने बड़े आराम से अपने आप को इंगेज रखा पूरी दुनिया के साथ। आज वो चीन के साथ भी इंगेज हैं, आज वो रशिया के साथ भी इंगेज हैं, आज वो अमेरिका के साथ भी इंगेज। ऑल द थ्री पोल्स ऑफ पावर इंटरनेशनल सिस्टम में जो तीनों के तीनों ममालक इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं। और आप देखें कि जो रशियंस हैं वो ढोलकियाँ भी बजा रहे हैं, वो इंडियन ड्रेस भी पहन रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया स्पेंड अ लॉट। आप फिर आप देखें, मैं ये भी देख रहा था कि बिहार से एक जो रशिया की आई थिंक डुमा के वो मेंबर हैं, लेकिन रशियन पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं, और अभय कुमार सिंह मैं देख रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था, और वो 1990s में रशिया गए और वहाँ पे स्टूडेंट थे, एंड देन फिर वो अभी वो रशियन नेशनल है, वहाँ पे इंगेज हैं। अब आप ये इमेजिन करें क्या मतलब, जैसे कहेंगे ना ये चीज़ें आपको बड़ी क्लियर नजर आएंगी कि वो कैसे वो पैनिट्रेट कर गए हुए हैं, कैसे वो पैनिट्रेट कर गए हैं। उनको पता था कि उन्होंने उनकी लीडरशिप ने उस वक्त उनको जो कुछ बताया या इंडिया की जो डायरेक्शन सेट की, ठीक है, एंड देन उससे भी बढ़ के जो इंडियन म्यूजिक है, फिल्म का म्यूजिक जो है, वो रशियन लोगों में बड़ा पसंद किया जाता है, ठीक है जी। इंडियंस ने जाके वहाँ रशियन से शादियां कर ली और वो एक प्रॉपर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे बदकिस्मती से, मैंने ये मगरब में देखा है कि पाकिस्तानी वेस्टर्न लड़कियों से शादियां करते हैं नेशनैलिटीज के लिए, छोड़ देते हैं, बच्चे हो जाते हैं, और बहुत सारी जो है ना वो है। लेकिन मुझे आज से कुछ साल पहले, मैं अमेरिका में था, तो एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा, अगर आप किसी मुल्क में जाते हैं और वहाँ काम करना चाहते हैं, वहाँ तरक्की करना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, तो मिट्टी से मिट्टी होना पड़ता है आपको। वहाँ के कल्चर, रस्म और रवाज, उनके साथ हर तरह खड़ा होना पड़ता है। आप उनकी वैल्यूज़ को ओन करें। वैल्यूज़ की मुराद ये नहीं, मैं कह रहा कि अगर आप अपना मज़हब ना छोड़ें, लेकिन जो वहाँ पे कल्चर है, जो वहाँ पे सिस्टम है, जो वहाँ पे ट्रेडिशंस हैं, एंड देन फिर वो नेशनलिज्म है। अगर आप एक मुल्क में गए हैं और आप के अंदर ये बदनीति है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट लेने के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ पे सिर्फ डॉलर और यूरो कमाने आया हूँ, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और ज्यादती क्या हो सकती है। आपकी अपने साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती है और उस मुल्क के साथ भी ज्यादती। सो मैं आज सॉफ्ट पावर पे बात कर रहा हूँ कि ये सॉफ्ट पावर जो है ना इंडिया की, ठीक है, इट हैज़ रीच्ड बहुत आगे चली गई है, ठीक है जी। इंडिया के रशिया के ताल्लुकात तो बड़े पुराने हैं, ये कोई जिसे कहेंगे आपके कोई ओवरनाइट ये सारा कुछ नहीं हुआ, एक हिस्ट्री है इंडिया रशिया ताल्लुकात की, और ये आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। ES-400 डील तो 2018 में आई है। इंडिया की जो स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है रशिया के साथ, वो तो 2010 में आई है। इंडिया और रूस का जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, वो तो 2007 में आया, उससे पहले भी ताल्लुकात थे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, अब क्रूड ऑयल की जो इम्पोर्ट है, वो तो ये 22-23 में ये जंग शुरू हुई है, तो इतनी बड़ी तादाद में इंडिया ने खरीदना शुरू किया है। लेकिन इंडिया को जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना, वो कंसिस्टेंसी का मिल रहा है। इंडिया को जो रिवॉर्ड मिल रहा है, वो इस चीज़ का मिल रहा है कि इंडिया खड़ा रहा है रूस के साथ। इंडिया ने मगरब से उम्मीदें नहीं लगाई उस अंदाज से। इंडिया ने जिसे कहेंगे ना कि जो एक एक एक, एक फजूल किस्म की कोई एक ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होने दी जिसमें वो ये कह सकें कि हमने एक एक साइड को रख लिया, दूसरी साइड को छोड़ दिया, जैसे पाकिस्तानी करते हैं, हमने एक साइड को रख लिया, दूसरी साइड छोड़ दी, और सोचा कि क्या जरूरत है।
कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी चीज की परवाह ही कोई नहीं है। ठीक है जी। सो ये चीजें हैं इंडिया में इस वक्त जो रशिया रूस के अंदर जो रेड स्क्वेयर है, ठीक है जी, वहाँ पे इस वक्त सारे नाच गाने चल रहे हैं, क्रेमलिन के सामने नाच गाने हो रहे हैं, लोगों ने साड़ियाँ पहनी हैं, इंडियन ड्रेस पहने हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। सो मोदी साहब के जाने से पहले वहाँ पे इंडिया का कल्चर पहुँचा हुआ था। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि दैट इज सिग्निफिकेंट, ये चीज़ सिग्निफिकेंट है। और अब देखिए ना, ये बॉलीवुड, मुझे याद है कि मुझे एक तस्वीर याद है कि शाहरुख खान उस वक्त एक मूवी बना रहे थे और साथ उनके आई थिंक करीना कपूर थी, और ये आई थिंक चमक चलो जो गाना है ये उसका सेट था, जिसमें वो एक अमेरिकन सिंगर भी था, मुझे उसका नाम नहीं आता, भूल गया, वो भी था। तो पुतिन साहब उस सेट पे चले गए थे इंडिया के अंदर, ये मेरा ख्याल है 2008 या 10 की बात है मेरा ख्याल, उस सेट पे चले गए और उनको बताया गया कि बॉलीवुड क्या चीज़ है, उनको बताया गया बॉलीवुड क्या चीज़ है और बॉलीवुड की क्या फुटप्रिंट्स हैं, ये चीज़ उस वक्त पुतिन साहब को बताई गई। ये चीज़ मैं समझता हूँ दैट इज समथिंग, एरिया ऑफ कन्वर्जेंस जितने भी हैं इंडिया और रशिया के, उनमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ज़रूर मौजूद है, कल्चर ज़रूर मौजूद है। ठीक है जी। इंडियंस क्या चाहते हैं, इंडियंस कहते हैं कि रशिया के अंदर हमें वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाए। इंडिया बेसिकली इसको अपनी एक स्ट्रेंथ समझता है, वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन यूरोप के अंदर इंडियंस को जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसके डिसएडवांटेज यूरोप के अंदर देखे गए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियंस हैं, जो यंग लोग हैं, यंग लड़के लड़कियां भी शायद, वो इन मुल्कों में जो कि यूरोप से बाहर हैं वहाँ पे आते हैं, सर्बिया, अब तो सर्बिया ने भी वीज़ा कर दिया, लेकिन पहले वीज़ा ऑन अराइवल था, अब वीज़ा कर दिया टूरिज्म का, लेकिन वो यूरोप आते हैं, यूरोप से बाहर जो मुल्क है वहाँ पे आते हैं और वहाँ से स्लिप होकर यूरोप आ जाते हैं। ये जो ये ड्रॉबैक्स भी देखे जा रहे हैं और ये डिस्कस किए जा रहे हैं यूरोप के अंदर। बरतानिया क्यों इतने रुकावट डाल रहा है कि नहीं हम आपको बड़ी तादाद में वीज़े नहीं देंगे, क्योंकि शायद उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है। अगर रशिया के अंदर वीज़े बड़ी तादाद में आते हैं तो रशियंस तो जाएंगे इंडिया घूमने फिरने इंजॉय करने, लेकिन जब इंडियंस रशिया आएंगे तो वो ज़रूरी नहीं सारे रशिया के अंदर टिकें, वो फिर माइग्रेट कर जाते हैं, फिर इलीगल हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं कहीं और। इन चीज़ों को देखते हुए ये जितने भी ममालिक हैं, दे डोंट वांट कि हम इतनी जल्दी इंडिया के साथ जो है ना वीज़ा ऑन अराइवल एग्रीमेंट करें, लेकिन रशिया कर सकता है वीज़ा ऑन अराइवल। उसकी वजह ये है, रशिया कर सकता है ये वीज़ा ऑन अराइवल, उसकी वजह ये है कि जो बर्डन आएगा वो तो यूरोप के ऊपर ही आएगा। ये भी एक टेक्निक हो सकती है टू गिव टफ टाइम टू यूरोप। आप जो लोग यूरोप को समझते हैं या लोग जानते हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, ये सारे के सारे जो हैं ये यूरोप, अमेरिका और इन जगहों पे पहुंचे हुए हैं, एंड एक बड़ी तादाद जो है वो इलीगल भी बैठी हुई है, बहुत बड़ी तादाद, एंड वो बैठे हुए हैं, बस शुरू से एक चीज़ है। सो अभी फॉर एग्जांपल ये डिस्कस हो रहा है कि वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाए इंडियंस को, तो इस पे जाहिर बात है इंडिया तो चाहता है, रशिया का चाहता है। और कुछ अर्सा पहले ये जो कुछ इंडियंस को इंगेज कर लिया गया जंग में, वो भी पता वीडियोज़ वगैरह जो वायरल हुई थी, तो वो जाहिर बात है इस तरह के लोग भी होते हैं मुल्कों में, ये चीज़ें चल जाती हैं। बहरहाल दैट्स एक पॉइंट तो है, लेकिन असल चीज़ क्या है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है
वो रशा पहुंच चुकी हुई है बिफोर, क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे जो डिफिकल्ट चीज थी ना वो ये थी कि लैंग्वेज, इंडियंस ने लैंग्वेजेस सीखी हैं और रशियंस को लगाया इस काम पे, ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा कि अगर अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, इंडिया उधर, रशिया के अंदर, हर जगह इंडियंस जो हैं वो पार्लियामेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, मैं समझता हूँ इंडियंस ने एक काम बड़ा ज़बरदस्त किया है, और वो ये किया है जो पाकिस्तान नहीं कर सका और पाकिस्तान को आज उसका नुकसान हुआ है, कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप थी वो भूखी लीडरशिप, मैं अब क्या कहूँ उसको, वो अपने जो पाकिस्तानी अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में हैं उनसे चंदा इकट्ठा करने जाते रहे, पैसे इकट्ठे करने जाते रहे, उनको पॉलिटिकली मोबिलाइज किया, पॉलिटिकली अवेयर किया, उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंगेज किया, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके विंग बनाए अमेरिका, यूरोप, अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर, हालांकि ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के विंग वहां बना दिए। वो एक बंदा जो कहता है जी मैं प्रेसिडेंट पीटीआई हूँ, इमरान खान की पार्टी का, लंदन में हूँ। भाई तुम लंदन में उसको क्या कर सकते हो, तुम लेबर के मेंबर बनो, कंजर्वेटिव के मेंबर बनो, किसी लेबर कंजर्वेटिव को करो सपोर्ट, पार्लियामेंट में जाओ, बोलो, वो चीज करो, तुम्हारा उन चीजों से क्या ताल्लुक है। लेकिन इंडियंस ने ये गलती नहीं की, वो बीजेपी और कांग्रेस जो है उस पर नहीं बोले, जो इंडियंस बाहर बैठे हुए हैं, एक तो सारी बात है उन्होंने उनकी नेशनलिटी उड़ा दी कि आप एक नेशनलिटी रख सकते हो, दूसरी चीज उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा भाई देना है चंदा तो दो पाक इंडिया के लिए, लेकिन वो मेरा ख्याल है ज्यादातर शायद मजहबी बुनियादों पे भी चंदा आ रहे हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ये राम मंदिर के हवाले से कुछ हुआ था तो मैं उन्होंने 1 रुपया चंदा दिया था, तो बाद में फिर बहुत सारी दुनिया ने उस पर चंदा दिया, लोगों का दिल था कि हम कंट्रीब्यूट करें, जो कि अच्छी बात है। मैं समझता हूँ जिस जिसका जो मजहब हो, जो धर्म हो, जो पसंद हो, जिसको वो करता है उसको उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने ये गलती की। आज ये देखें कि पाकिस्तान की हुकूमतों को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये भी है कि उनको बाहर जाके छुपना पड़ता है। हमारे वजीर आजम अगर जाएगा मॉस्को या लंदन या वॉशिंगटन तो उसको छुपना पड़ेगा, वहां की हुकूमत उनको सिक्योरिटी दे रही होती है, अपने ही लोगों से बचा रहे होते हैं। मोदी साहब को ये तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, मोदी साहब के लिए तो लोग बाहर निकलते हैं, वेलकम करते हैं छोटी तादाद में, अगर अमेरिका जाएं तो वहां बड़ी तादाद में निकलते हैं, छोटी इधर जाएं तो यहाँ छोटी वो उसमें निकलते हैं, ठीक है ना जी। सो ये दीज थिंग्स आर देयर, मैं इसको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर समझता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप पहुंचती है यूरोप, अमेरिका और मॉस्को, छुपती फिरती है मोदी साहब के लिए, वो जो लोग हैं वो बाहर निकलते हैं। ये इंडिया का जो कल्चर है, या इंडिया ने बाहर बैठे हुए अपने लोगों को वो उस तरह जहर नहीं डाला जैसे हमारे लोगों ने डाला, हमारे सियासतदानों ने डाला, और फिर वो जो यूरोप में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो मिनिस्टर साहब से एक तस्वीर खिंचवाई, उनको चंदा दिया 5-10 हज़ार यूरो, उनकी खिदमत की, एंड दैट्स इट। मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं ये इंडिया ने नहीं की, और आज आप देख लें दे आर बींग रिस्पेक्टेड। और सो कल्चर इज इम्पॉर्टेंट, हमने दुनिया को सिर्फ देखते हैं मजहब के एंगल से हैं, तो फिर वही चीज़ हमारे सामने आएगी, ये चीज़।